दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक कहानी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही दर्दनाक है। उस कहानी को सुनिए, लेकिन सुनने से पहले इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो मेरे दोस्त, हम समय नहीं लेंगे और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी प्रयागराज से है, एक छोटे से गांव की है कहानी, जहां पर एक कुम्हार का परिवार है और उसका एक बेटा है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है और इतनी खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाता है कि देखने वालों की भीड़ लग जाती है। एक दिन मिट्टी के बर्तन बना करके बाज़ार में बेचने के लिए चल देता है और मिट्टी के बर्तन बेचकर फिर वापस आता है। दूसरे दिन मिट्टी के बर्तन ले जाकर के गांव में बेचने चले जाता है। उसके बाद वहां पर एक ठाकुर की लड़की है, वो मिट्टी के बर्तन को देख के खुश हो जाती है। इतनी बढ़िया से वो मिट्टी के बर्तन को सजा के बनाया था कि वह देखती ही रह जाती है। अपने पिताजी से बोलते हैं कि उस मिट्टी के बर्तन वाले को बुलाओ और मैं उसके बर्तन ज़रूर लूँगी। तो ठाकुर अपने लड़की को मिट्टी के बर्तन वाले को बुलाया और मिट्टी के बर्तन खरीद लेता है और बेटी को दे देता है। तो मिट्टी के बर्तन वालों को देखते ही रह जाती है ठाकुर की बेटी और उससे मन ही मन प्यार कर बैठती है। उसके बाद रात में ठाकुर की बेटी बस वही कुम्हार के लड़के को अपने मन में सोचती रहती है कि फिर कब इससे मुलाकात होगी। कई दिन वो मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं आया, तो एक दिन अचानक बाज़ार में गई तो वो लड़का फिर दिख जाता है। वहाँ पर फिर मिट्टी के बर्तन खरीदती है और उसे कीमत के बदले एक स्मार्टफोन दे देती है कि ये लो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुमसे बात किए बगैर मैं नहीं रह पाऊँगी। तो कुम्हार का लड़का इनकार कर दिया, लेकिन लाख इनकार करने पर भी ये मोबाइल फ़ोन उस लड़की ने उसको दे ही दिया। आखिरकार ये दोनों बात करते करते इतना ज़्यादा बात करने लगते हैं कि दोनों में न जाने कब प्यार हो जाता है, इनको पता ही नहीं चला। एक दूसरे को बगैर देखे रह नहीं पाते हैं। एक दिन ठाकुर की लड़की बोलती है कि तुम हमारे घर पे आओ, हम तुमसे कुछ बातचीत करेंगे। ये लड़का बेचारा मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है और उसको छोड़ करके ठाकुर के घर में जैसे ही जाता है तो वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हो जाता है। ठाकुर उस लड़के को पकड़ लेता है और ले जा करके जंगल में उसे जान से मार देता है। इधर उस लड़की का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। जान से मार देने के बाद वहीं जंगल में उसे दफन कर दिया और घर पे आया अपनी बेटी को भी डांट के उसको बोलती है, ये बात किसी से बताना नहीं और तुम्हारी शादी मैं अपने जाति में करूँगा। उसके बाद उस लड़की की शादी अपनी बिरादरी में एक अच्छा सा लड़का देख करके शादी कर देता है। जब शादी हो जाती है तो लड़की की डोली जैसे ही निकलती है तो उसी जंगल के रास्ते से ही निकलती है। तो वहाँ पर जो कुम्हार का लड़का ठाकुर उसको जान से मार के कब्र में दफन कर दिया होता है, उसकी आत्मा निकल करके उस डोली को आवाज़ लगाता है, अपनी शक्तियों से डोली के कहार को मूर्छित कर देता है और इधर डोली में से दुल्हन उतर करके जंगल में जाती है और उस लड़के को आवाज़ देती है, लेकिन लड़का फिर दोबारा आवाज़ नहीं लगाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये अपने ससुराल में गई तो सुहाग रात के ही दिन उसके अंदर ये कुम्हार का लड़का, उसकी आत्मा जो है उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद काफ़ी कहा सुनी हो जाती है मायके में भी और ससुराल में भी कि ये लड़की तो
इसके अंदर भूत प्रेत का साया है। तो कैसे भी करके ठाकुर अपने बेटी के यहाँ जा करके सबको मनाता है, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद फिर एक दिन वो लड़का उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर ही जाता है, उसकी आत्मा प्रवेश कर जाती है और वहाँ से वो लड़की रात को जाती है ठाकुर खानदान के एक आदमी की जान ले लेती है, फिर वहाँ से अपने ही ससुराल फिर वापस आ जाती है। ऐसा कई बार हुआ, तब जाकर के पता चला कि ये किसी से प्रेम करती थी और उसकी जान इसके पिताजी ने ले लिया। उसके बाद से वो आत्मा इसके शरीर पे काबू कर लेती है। धीरे धीरे सबको जान से मारने के बाद फिर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से जब प्रवेश करती है तो फिर जंगल में ये लड़की आती है। तब जाकर के वो आत्मा सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, मैं तुमसे प्यार किया था और तुमको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, लेकिन ये हमारे नसीब में नहीं था। तब वो लड़की भी, ठाकुर की बेटी भी रोती है कि हमारे पिताजी जातिवाद के चक्कर से तुम्हारी जान ले लिए। तो दोस्तों, जातिवाद एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोगों को जीने नहीं देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। जाति कोई भी हो, लोग कहते हैं कि लड़की की कोई जात नहीं होती, वो जिससे शादी करेगी उसी जात में ढल जाएगी, उसी जात में हो जाएगी। यहाँ किसी की कोई जात नहीं होती है, ये इंसान का एक वहम है। प्रेम प्रेम होता है। उसके बाद लड़की बोलती है कि मेरी शादी तो हमारे पिताजी के कहने से तो हो गई, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए आज भी मर जाने को, कटने को तैयार हूँ। तो वो आत्मा बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं खुश हूँ, इतना तुम बोल दी, मैं खुश हो गया, ये सोचो कि हम तुमको पा लिया, लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी अगले जन्म में मुलाकात ज़रूर होगी। जाओ, तुम्हारे साथ जिसकी शादी हुई है उसके साथ अपना जीवन बिताओ, हम अगले जन्म में तुमसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, ये है एक सच्ची कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। जय हिंद।